हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल शिपिंग इनबॉक्स में। आज हम बात करने वाले हैं अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड की अंतिम सफर पर पहुंचे 7-स्टार क्रूज शिप के बारे में। तो आइए हम आपको शिप का सफर कराते हैं। मुसाफिरों के लिए 7-स्टार सुविधाओं उपलब्ध कराने के लिए विश्व में जाने माने क्रूज शिप कोलंबस अपने अस्तित्व की अंतिम सफर पर अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड में पहुंच गया है। 29,000 मैट्रिक टन वाले यह क्रूज शिप कोलंबस 804 फीट लंबा और 105 फीट चौड़ा है। इस जहाज में 1550 मुसाफिर और 700 क्रू मेंबर सफर कर सकते हैं। मुसाफिरों के लिए इस जहाज में 773 केबिनें शामिल है। 13 मंजिला वाला यह कोलंबस जहाज में 4 रेस्टोरेंट, 8 वाइन बार, 2 स्विमिंग पूल, 2 जाकुजी, 12 एलिवेटर्स, हेयर ब्यूटी सलून, जिम, केसिनो, गेमिंग जोन, थर्मल शूट, थिएटर, मेडिकल सेंटर के अलावा बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध है। अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड के प्लॉट नंबर 61 NBM आयरन एंड स्टील ट्रेडिंग के द्वारा यह कोलंबस जहाज खरीदा गया है। हाल ही के दिनों में इस प्लॉट में एक और क्रूज शिप ओशन ड्रीम को तोड़ा जा रहा है। नवंबर से लेकर अप्रैल महीने तक अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड में 6 क्रूज जहाज रिसाइकलिंग के लिए पहुंच चुके हैं। 1989 में बनाए गए लग्जूरियस क्रूज शिप कोलंबस का वर्ष 2017 में ही रिनोवेशन किया गया था और इस जहाज पर काफ़ी सारी अल्ट्रा मॉडर्न सुविधाएं शामिल की गई थी। पिछले 6 महीनों में अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड में रिसाइकलिंग के लिए पहुंचे 6 क्रूज जहाजों की वजह से अलंग और अगल बगल के 5 गांवों में लगी 500 से ज़्यादा शॉप में बहुत सारा सामान बिक्री के लिए पहुंचा है और इसके चलते सामान्य दिनों की तुलना में ज़्यादा टूरिस्ट चीज़ों के खरीदार अलंग का सफ़र दैनिक तौर पर करते हैं। सामान्य रूप से अलंग में क्रूज जहाज़ों के लिए शिप ब्रेकरों कम रुचि दिखाते हैं, लेकिन पिछले एक साल से क्रूज इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा है और इसकी वजह से ही इंटरनेशनल मार्केट में शिप रिसाइकलिंग के लिए काफ़ी सारे शिप क्रूज शिप सामने आने लगे हैं। कोरोना की महामारी की वजह से पिछले एक साल में विश्व की क्रूज इंडस्ट्री बुरी तरह से प्रभावित हुई है और अभी यह इंडस्ट्री कब शुरू होगी इसके बारे में कोई बता नहीं सकता। जहाज मालिकों को अपने क्रूज शिप को बेचने के हालात सामने आए हैं। इसी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा क्रूज शिप बिक्री के लिए आते हैं। अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड से नज़दीक मनार गांव में जहाज़ों के सामान की बिक्री वाले रिटेल शॉप के SNS ट्रेडिंग के मालिक DN बारेया ने बताया है कि हाल ही के महीनों में अलंग में 6 क्रूज जहाज आए हैं। कुछ क्रूज का सामान बाजार में आ चुका है और बाकी क्रूज का सामान आने वाले दिनों में मार्केट में आएगा। ज़्यादा सामान आने की वजह से बाजार में कंपटीशन बढ़ रही है। क्रूज शिप की क्रोकरी, बेडशीट, फर्नीचर के लिए रिटेल मार्केट में डिमांड रहती है। बड़े होटल, रेस्टोरेंट मालिक भी क्रूज का सामान बड़ी मात्रा में खरीदने के लिए अलंग का सफ़र करते हैं। कुल मिला के पिछले 4 महीनों में अलंग में क्रूज जहाज़ों की अच्छी संख्या आने की वजह से सामान्य दिनों के मुकाबले विजिटर्स की भी संख्या बढ़ी है। रविवार और छुट्टियों के दिनों में विजिटर्स का जमावड़ा रिटेल मार्केट में और बढ़ जाता है। हमें उम्मीद है कि आपको क्रूज शिप कोलंबस की यह वीडियो स्टोरी पसंद आई होगी। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। आप सभी से यह निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए।
आप सबको यह वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में आपकी प्रतिक्रिया बताइए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो स्टोरी में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।